हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, स्वागत है। इस नए वीडियो में बात करने वाले हैं इंडियन एयरफोर्स ग्रुप सी ऑफलाइन फॉर्म कैसे फिल करेंगे और कैसे उसको भेजेंगे, ये पूरी प्रक्रिया इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। जिससे कि आप सबको पता है कि एयरफोर्स ग्रुप सी के लिए जो है 05/2021 का जो है नया रिक्रूटमेंट, नई वैकेंसी, नई एडवर्टाइजमेंट आई हुई है। उसमें कैसे आपको जो है फॉर्म को भेजना है, ऑफलाइन मोड में फॉर्म है आप सबको पता है, तो इसको कैसे आप भरेंगे और कैसे आप पोस्टल स्टैम्प चिपकाएंगे, उसके से कैसे आप जो है एड्रेस को लिखेंगे और कौन कौन सी सावधानियां बरतनी है फॉर्म फिल करते वक्त, कितने फोटो आपको भेजने उसके साथ और आप जो है कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स के साथ आप जो है भेजेंगे, ये सारी प्रक्रिया मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं, ताकि आपको जो है एयरफोर्स ग्रुप सी का ऑफलाइन का जो फॉर्म है वो भरने में कोई भी दिक्कत ना हो। समझ गए? तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। मेरा नाम है दिलीप और आप देख रहे हैं डीएस हेल्पिंग फॉर एवर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करेगा और अपने दोस्तों में जरूर शेयर करेगा। चैनल पहली बार आए तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ऑल बेल नोटिफिकेशन को भी दबा लीजिएगा। तो फ्रेंड्स, एयरफोर्स ग्रुप सी ऑफलाइन फॉर्म फिल करने के लिए सबसे पहले आपको मार्केट से जो इस तरह से दो लिफाफे आपको लाने होंगे। अगर येलो वाला मिल जाता है तो थोड़ा सा स्ट्रांग होता है, वो भी ले सकते हैं, या व्हाइट वाला भी आप ले सकते हैं। एक थोड़ा बड़ा होना चाहिए, एक थोड़ा छोटा होना चाहिए। देखिए, ये जो है थोड़ा सा छोटा है, ताकि ये जो है एक इसके अंदर रखना है हमें, इसलिए इसे छोटा चाहिए थोड़ा सा। और उसके बाद से ये आपको एप्लीकेशन फॉर्म जो है प्रिंट आउट लेकर आना है, दो पेज का है। अब सबसे पहले जान लेते हैं कि ये एप्लीकेशन फॉर्मेट आपको जो है कहां से डाउनलोड करनी है और इसको आपको भरना है, ठीक है ना। उसमें जानते हैं कौन सी वेबसाइट से आपको जो है परफॉर्मा एप्लीकेशन फॉर फॉर्मा डाउनलोड करनी है। तो फ्रेंड्स, एयरफोर्स ग्रुप सी का फॉर्म डाउनलोड करने के लिए आपको जो है गूगल में सर्च करना होगा डीएस हेल्पिंग फॉरएवर। जैसे आप इतना सर्च करेंगे आपके सामने वेबसाइट खुलेगा, ये पहला वाला dshelpingforever.com, इसको आपको ओपन करना है और यहाँ पे एक बार पेज को रिफ्रेश रीलोड कर लेनी है ताकि सभी पोस्ट अपडेट हो सके। यहाँ पे आपको कई सारी वैकेंसीज आपको देखने को मिलेगी। इसी कैटेगरी में आपको एयरफोर्स ग्रुप सी वैकेंसी यहाँ पे देखने को मिल जाती है, या थोड़ा सा नीचे करेंगे ना तो यहाँ पे ऑल डिफेंस की एक कैटेगरी बनी हुई है। इस कैटेगरी में आपको जो है डिफेंस रिलेटेड सभी वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी, एयरफोर्स ग्रुप सी वैकेंसी सी। आप इस पर क्लिक करेंगे, या नेवी का भी, बीएसएफ का, कई सारी वैकेंसी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाती है, आप देख सकते हैं। तो आप जो है इस पर क्लिक करेंगे, जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे यहाँ इस तरह पोस्ट ओपन होगा। यहाँ से आप शॉर्ट नोटिफिकेशन देख सकते हैं कब से कब तक फॉर्म फिल करा जाएगा और जो भी इंपॉर्टेंट डेट्स है आप यहाँ पे चेक करेंगे और कहाँ कहाँ कितना सीट रखा गया है, किस किस यूनिट में, किस किस जोन में आपको सीट यहाँ पे रखा गया है। आप चाहे तो मल्टीपल जोन वाइज भी आवेदन दे सकते हैं अलग अलग, ठीक है ना, लेकिन आपको अलग अलग कई बार फॉर्म भेजने होंगे, ठीक है। अब यहाँ पर आपको जो है मिल जाएगा अप्लीकेशन फॉर्म, यहाँ पर फुल नोटिफिकेशन। तो आप जो है इस पर क्लिक करेंगे अप्लीकेशन फॉर्म वाले पे, तो आपके इस तरह से जीमेल का परमिशन देना होगा और क्लिक करेंगे तो आपका जो यहाँ पे इस तरह से डाउनलोड हो जाएगा एप्लीकेशन फॉर्म। या आप इसे दो पेज का है प्रिंट आउट निकाल लेंगे। जब एप्लीकेशन फॉर्म प्रिंट आउट निकाल लेंगे, इस तरह से दो पेज का एप्लीकेशन फॉर्म है, आपको भरना है। तो कैसे भरना है सबसे पहले जानते हैं, ठीक है ना। आप सबसे पहले यहां लिखेंगे एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ, कौन से पोस्ट के लिए आवेदन दे रहे हैं, एमटीएस है, एलडीसी है और भी कई अलग अलग पद यहां पे आप देख लेंगे। नोटिफिकेशन भी आप सेम उसी तरह से डाउनलोड कर सकते हैं उसी वेबसाइट से। और आप जो है कौन से यूनिट के लिए भर रहे हैं, एचक्यू, ईस्टर्न है, सेंट्रल है, कौन से एयर कमांड के लिए है, आप यहां लिखेंगे। फिर अपना पूरा नाम लिखेंगे कैपिटल लेटर में, ब्लॉक लेटर में। फिर यहां पे अपना एक फोटो चिपकाएंगे और इस तरह से जो है क्रॉस साइन कर देंगे, सेल्फ अटेस्टेड इसको बोलते हैं। यहां पे अपना जो है डेट ऑफ बर्थ को लिखेंगे, उसके बस यहां पे अपना पूरा एड्रेस को फिल करेंगे, जो भी आपका एड्रेस है, हाउस नंबर, डिस्ट्रिक्ट, पोस्ट ऑफिस, राज्य कौन सा है, पिन कोड कौन सा है, परमानेंट एड्रेस यहां लिखेंगे, यहां पे कॉरेस्पोंडेंस एड्रेस लिखेंगे, बेसिक जानकारी। फिर यहां पे 8 नंबर में आपको जो है कैटेगरी बताना है कि आप एससी एसटी जनरल ओबीसी क्या है। उसके वजह से आपको अपना एजुकेशनल क्वालिफिकेशन बताना है कि हाईएस्ट एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है। तो अगर आप एलडीसी के लिए भर रहे हैं तो एलडीसी के लिए कुछ अलग क्वालिफिकेशन बोला गया है। तो जो भी मैक्सिमम क्वालिफिकेशन है ना वो आपको यहाँ पे जो है बतानी है। और मान लीजिए आप जो है एमटीएस के लिए भर रहे हैं तो मेरे में 10वीं क्लास बोला गया, तो मैं 10वीं क्लास की जानकारी यहाँ पे भर रहा हूँ। अब यहाँ पे एनी अदर कोई क्वालिफिकेशन है, एक्सपीरियंस है, तो उसको यहाँ पे बताएंगे, नहीं तो छोड़ देंगे। फिर आपको कैटेगरी बताना है कि आप जो है कौन से कैटेगरी से अप्लाई दे रहे हैं। जैसे क्या है कि मान लीजिए किसी कैटेगरी एससी एसटी में सीटें नहीं है तो वो जो है जनरल से आवेदन दे सकता है, ठीक है ना। तो आप जो है अपने सेम कैटेगरी में अप्लाई कर रहे हैं या आप दूसरे कैटेगरी में अप्लाई कर रहे हैं। अगर मान लीजिए कोई जनरल है तो जनरल कैंडिडेट्स जो है ओबीसी एससी एसटी में आवेदन नहीं कर सकता है, लेकिन वही अगर कोई एससी एसटी और ओबीसी कैंडिडेट्स है तो वो जो है जनरल में अप्लाई दे सकता है, यू आर ऑन रिजर्व होता है, ठीक है ना। अब यहां पे आप अगर एक्स सर्विसमैन या स्पोर्ट्स पर्सन या फिजिकली हैंडीकैप्ड हैं
तो आप उसके बारे में बताएंगे, नहीं तो यहाँ पे जो इसको छोड़ देंगे, ठीक है। और अगर आप हैं ऑलरेडी एक्स सर्विसमैन या स्पोर्ट्स पर्सन या फिजिकली हैंडीकैप्ड, तो उसकी सेल्फ अटेस्ट कॉपी भी आपको अटैच करना होगा। फिर यहाँ पे डोमिसाइल, कौन से राज्य का आप निवासी हैं, आप यहाँ पे बताएंगे। ऑल स्टेट के निवासी आप यहाँ आवेदन दे सकते हैं। और उसको जो है सर्टिफिकेट आपको अटैच करना है, मतलब निवास प्रमाण पत्र। यहाँ पे पूछ रहा है कि क्या आपको जो है इंप्लॉयमेंट एक्सचेंज में रजिस्टर्ड हैं, अगर है तो यस करेंगे, नहीं तो नो करेंगे। फिर इसको डिक्लेयर करना, यहाँ पे अपना सिग्नेचर करेंगे और फिर इसको छोड़ देना। ये जो है ऑफिशियल यूज के लिए है, वो लोग जो है यूज करेंगे, आपको इसको नहीं भरना है नीचे वाले सेक्शन में। अब यहां पे आपको डेट भी लिखना है, जो भी आप जिस डेट को आप जो है फॉर्म को भेज रहे हैं, आप यहां पे जो है डेट क्या करेंगे लिख देंगे, ठीक है। और उसके बाद से यहां पे आपको दूसरा वाला जो है एक फोटो चिपकाना है, यहाँ पे पेस्ट करना है और सेम इस तरह से क्रॉस साइन करना है। जो भी आप फोटो लगा रहे हैं फ्रेंड्स, वो जो है चार आप एक ही तरह का फोटो क्या करेंगे निकलवाएंगे मार्केट से, और दो आपको चिपकाना है, एक यहाँ पे चिपकाना है और एक यहाँ पे चिपकाना है। दो आपको एक्स्ट्रा फोटो जो है लिफाफे के अंदर रख के भेजना है, ठीक है। तो समझिएगा ध्यान से। अब यहाँ पे MTS फिर से लिख देंगे, जो भी आपका पोस्ट है अप्लाई करने वाला। फिर यहाँ पे अपना नाम, फादर नेम और ये आपकी जानकारी, एड्रेस जो है भरनी है। और ये छोड़ देना है, चार और पांच नंबर आपको छोड़ देना है। और यहाँ पे इंडेक्स नंबर वो लोग भरेंगे, कब आपका जो है स्किल टेस्ट होगा, फिजिकल कब होगा, वो लोग भरेंगे, ठीक है ना। और रिटेन एग्जाम जो है वो लोग भरेंगे। तो आपको इसको छोड़ देना, यहाँ फोटो चिपका लेंगे, क्रॉस साइन कर लेंगे, इतना ही आपको भरना है। समझ में आ गया, एक बार आपको दिखाता हूं। देखिए इस तरह मैंने भरा हुआ है, यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना, वो लोग साइन वगैरह करेंगे। दूसरा आपको यहाँ पे ये वाला देखना है, ठीक है ना। तो समझ रहे हैं आप, ये दूसरा वाला जो आपको है इस तरह से आपको भरना है, आप समझ गए। चलिए तो ये दोनों फॉर्म को आपको भर लेनी है। अब यहाँ पे दो मैंने आपको लिफाफा बोला था लाने के लिए, तो दो लिफाफा आप क्या करेंगे इस तरह से, पहला लिफाफे पे जो थोड़ा सा छोटा है जो इसके अंदर आ जाएगा, देख रहे हैं आप, इस तरह से मैंने छोटा लिया हुआ है यहाँ पे, तो ये थोड़ा छोटा है, तो इसको क्या करेंगे यहाँ पे सेल्फ एड्रेस लिखेंगे, अपना एड्रेस लिखेंगे, पूरा प्रॉपर एड्रेस, आपका नाम, विलेज, पोस्ट, डिस्ट्रिक्ट, पिन कोड वगैरह सब चीज प्रॉपर लिखेंगे, मोबाइल नंबर लिखेंगे। ये उधर से जो लिफाफा है ना, उधर से आएगा, ठीक है ना। और यहाँ पे आपको ₹10 का जो है पोस्टेज स्टाम्प को क्या करना है फ्रेंड्स, चिपकानी है। तो पोस्टेज स्टाम्प पर क्या करेंगे आप जो इसे चिपकाएंगे, ये कहाँ मिलेगा, तो आपके डाक विभाग में जो है ₹10 का ही लगाना है, 10 से एक्स्ट्रा नहीं लगाना आपको, ₹10 का इसको आपको चिपकाएंगे ना, तो उधर से वो लोग क्या करेंगे इसमें आपका कॉल लेटर रख के, और उधर से वो लोग वापस करेंगे आपके एड्रेस पे। तो आपको उसमें डेट और वेन्यू लिखा रहता है, उसी एड्रेस पे आपको जाना होता है अपना रिटर्न एग्जाम के लिए, फिजिकल के लिए। समझ में आ गया। तो ये जो है आपको मैंडेटरी भरना, ये सेल्फ एड्रेस इन्वेलप है। अब आपको क्या करना है, भेजने वाला जो एड्रेस है कुछ इस तरह से है, सबसे ऊपर में आपको लिखना है कौन से पोस्ट के लिए आप भेज रहे हैं, वो पोस्ट का नाम, कैटेगरी, अगेंस्ट, ये सब जिससे मैंने लिखा हुआ ना, सेम इसी तरह से क्या करेंगे लिखेंगे। एडवर्टाइजमेंट नंबर भी आपको देना है 05/2021 DR, और कौन से एयर स्टेशन के लिए आप भेज रहे हैं वो एड्रेस यहां लिखेंगे, प्रॉपर बड़े अक्षर में लिखिएगा। और यहां पे कहां से आप भेज रहे हैं, फ्रॉम वाला एड्रेस ये आपका है, तो इस तरह से प्रॉपर आपको भेजना है। अब क्या करेंगे, ये जो है ये चीज, फिर ये जो एप्लीकेशन फॉर्म है, ये सबको क्या करेंगे मोड़ेंगे, ठीक है, अच्छे से प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स को अच्छे से मोड़ेंगे। और ये आपका लिफाफा हो गया, और इसके साथ क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको भेजने हैं मैं आपको बता देता हूं। देखिए इसके साथ आपको डेट ऑफ बर्थ का सर्टिफिकेट भेजना है, अगर आपके पास डेट ऑफ बर्थ का सर्टिफिकेट नहीं है तो आप जो है मैट्रिक का सर्टिफिकेट अटैच करेंगे, लेकिन डेट ऑफ बर्थ का सर्टिफिकेट तो उसको अटैच करेगा, बहुत ही सुंदर रहेगा। अगर आप SC ST OBC से आते हैं तो कास्ट सर्टिफिकेट को अटैच करना है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन का सभी सर्टिफिकेट को क्या करेंगे अटैच करेंगे। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है तो आप उसको रखेंगे, नहीं तो छोड़ देंगे। फिजिकली हैंडीकेप्ड या एक्स सर्विसमैन है तो आप उसको रखेंगे, नहीं तो छोड़ देंगे। डोमिसाइल निवास प्रमाण पत्र आपको अटैच करना है। दो एक्स्ट्रा पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ इसके लिफाफे के अंदर आपको रखना है, दो एक्स्ट्रा। और ये सबका जो है फोटोकॉपी करके रखना है, ओरिजिनल नहीं भेजना है, फोटोकॉपी करके उसको सेल्फ अटेस्टेड करके आपको करना है, सभी डॉक्यूमेंट्स को क्या करना है भेजना है। जो लास्ट डेट रहेगा फ्रेंड्स एज कैलकुलेट करने का, वो रहेगा 28/11/2021, और इसका लास्ट डेट रहेगा फॉर्म भेजने तक 28/11 के पहले पहले आपको जब फॉर्म पहुंच जाना चाहिए जहां भी आप भेज रहे हैं। और उसके बाद से जो आपका एज कैलकुलेट किया जाएगा ना 18 से 25, वही अगर कोई SC और ST है और OBC है तो उनको जो एज में छूट मिलेगा, आप इसके लिए क्या करेंगे नोटिफिकेशन को देखेंगे। अब यहां पे आपको फ्रेंड जो है भेजने का जो प्रोसेस है वो सैंपल पोस्ट जो होता है, ऑर्डिनरी पोस्ट जिसको साधारण डाक बोलते हैं, उसी के माध्यम से भेजना होता है। और इसका एग्जाम सेंटर जो होगा जहां भेज रहे हैं ना वहीं का आपका एग्जाम सेंटर
होते हैं और जो शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स होते हैं उन्हीं को यहाँ पे जो है कॉल लेटर भेजा जाता है। देखिए इसमें सबका जो है कॉल लेटर नहीं आता है, आप समझ लीजिएगा, आप भेज रहे हैं ठीक है, लेकिन ये मत रखिए कि आपका भी कॉल लेटर आ सकता है, क्योंकि यहाँ पे मोस्टली केस में क्या होता है ना कि बहुत ही कम लोगों का कॉल लेटर यहाँ पे आती है, तो इस चीज को आपको समझना है, सबका जो है कॉल लेटर नहीं आता है। मेरे इंस्टाग्राम पे काफी सारे लोगों का मैसेज आ रहा है कि इसमें जो है कॉल लेटर नहीं आता है, और किसी किसी का मैसेज आ रहा है कि मेरा कॉल लेटर आ गया है, इसका जो है एग्जाम पैटर्न बताइए। तो सबका कॉल लेटर नहीं आता है, इतना आप मान के चलेंगे, आप अगर फॉर्म भर रहे हैं तो आपको इतना समझना होगा। अब देखिए ये सारे डॉक्यूमेंट्स क्लियर हो गए आपको, आप एक बार इसको पढ़ लेंगे, देख लेंगे, समझ लेंगे, मैंने यहाँ पे अपने आप आसान भाषा में यहाँ पे जो है लिखा हुआ है, समझ गए। अब देखिए ये सारे डॉक्यूमेंट्स हो गए आपके, अब यहाँ पे क्या करेंगे, इसको और इसको, और जो आपके डॉक्यूमेंट्स होंगे सबका फोटो कॉपी, देखिए इस तरह से मैट्रिक का जो है नीचे में साइन करेंगे, सेल्फ अटेस्टेड करेंगे, यहाँ पे सेल्फ अटेस्टेड करेंगे, जो भी आपका जाति निवास आया है ये सब क्या करेंगे आप जो है अटेस्टेड करेंगे। जो मैंने आपको डॉक्यूमेंट्स बताया सेम यही डॉक्यूमेंट्स लेंगे, इसके अलावा एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट्स आपको भेजने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है ना। अब यहाँ पे सबको क्या करेंगे मोड़ेंगे, और ये आपका जो है फॉर्म हो गया, और ये आपका लिफाफा हो गया सेल्फ एड्रेस इनवॉल्व वाला लिफाफा, और ये दो आपका एक्स्ट्रा फोटो हो गया। अब बड़े वाले लिफाफे में जहां पे आपको भेजना है उस बड़े वाले लिफाफे में क्या करेंगे इसको रख देंगे। तो फ्रेंड्स इस तरह से क्या करेंगे आप जो इसको बड़े वाले लिफाफे में जो है रख देंगे, और उसके बाद से फ्रेंड्स आप क्या करेंगे इसको जो है साधारण डाक के द्वारा, देखिए आपका ये लिफाफा पैक हो गया, यहां से अच्छे से जो है टेप कर देंगे ताकि ये फटे ना खुले ना, और इसको आप जो है साधारण डाक के द्वारा जो है क्या करेंगे ऑर्डिनरी पोस्ट जिसको बोलते हैं भेजेंगे, स्पीड पोस्ट कुरियर ये सब नहीं भेजना आपको, साधारण डाक से भेजेंगे तो आपका फॉर्म एक्सेप्ट किया जाएगा, नहीं तो वहीं पे तुरंत रिजेक्ट कर दिया जाता है। समझ में आ गया फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूं आपको जो है वीडियो अच्छा लगा, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करेगा और अपने दोस्तों में जरूर शेयर करेगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेगा, और कोई भी दिक्कत हो कमेंट हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो अभी भी समझ में नहीं आया तो वीडियो को आप जो है एक बार दो बार 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 देख सकते हैं ताकि आपको जो है पूरा अच्छे से कंफर्म हो सके। ये सारे डॉक्यूमेंट्स आप देख सकते हैं, मैं अपने लैंग्वेज में लिख के आपको समझा दिया हूं, आप नोटिफिकेशन को एक बार जरूर पढ़ें जो भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स हैं ताकि आपको कोई भी परेशानी ना हो।